नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इसका ग्रीस ख़त्म हो गया था। ग्रीस ख़त्म होता है तो उसका जो गेज है वो अंदर चला जाता है, उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद जो गेज है अगर उसको आप दबाएंगे तो अंदर नहीं जाएगा, और अगर इसमें ग्रीस नहीं होगा तो पिन वगैरह टूटने के चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि हैवी गाड़ी या लोड ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए ग्रीसिंग पर बहुत ध्यान देना है। अगर कोई भी स्लाइडिंग पॉइंट है उसमें ग्रीसिंग नहीं जाएगा तो वो गर्म होकर टूट जाएगा। वीडियो में देखिए कैसे हो रहा है और क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। ग्रीसिंग सिलेंडर है, ये साइड में 22 नंबर का एडाप्टर दिया हुआ, वो होज एयर प्रेशर द्वारा आ रहा है। ग्रीस बैरल भी वहीं पर है, तो एयर द्वारा ये ग्रीसिंग आ रहे हैं। जब ये ग्रीसिंग आ जाएगा तो अभी ये देखिए ये गेज बैठा हुआ है। देखिए जब ये ग्रीस भर जाएगा तो गेज ऊपर आ जाएगा, फिर उसको दाबेंगे तो नहीं दबेगा। अभी ये देखिए ये जो गेज है इस टाइप से ऊपर हो जाएगा जब भर जाएगा, तो अभी ये बैठ जा रहा है। यहाँ पे टच करने के बाद ग्रीस जा रहा है ऊपर में, जब आप टच करेंगे तो फील होगा। देखिए यहाँ पे ग्रीस का ग्रीसिंग पॉइंट है जो सिलेंडर में जाता है, दोनों साइड होगा। और उसके बाद इसका टायर साइज देखिए 2435। हाइट इसकी देखिए बहुत ज़्यादा हाइट है, ये सारे ग्रीसिंग होते हैं, जितने भी पॉइंट है पिन वगैरह सब ग्रीसिंग ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर जो पिन है पिन सारे ऑटोमेटिक होते हैं, ये सब ग्रीसिंग पॉइंट है। यहाँ पर देखिए मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे मैनुअल ग्रीसिंग एक बार ग्रीस डाल दीजिए उसके बाद ऑटोमेटिक जितने भी ग्रीसिंग पॉइंट है अपने आप चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इस साइड में भी ये डीजल टैंक है फ्रेंड, 800 लीटर का है, तो अभी हाफ दिखा रहा है, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, तो 400 अप्रोक्स इसमें तेल है। कुछ इंजन इस टाइप का है, का जो गेज है उठ रहा है, अब इसको दाबेंगे तो अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए बहुत बहुत प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब अपना वेट सारा लगा रहे हैं फिर भी नहीं अंदर जा रहा है। देखिए धीरे धीरे उठ रहा है ये, आप देखिए यहाँ पे ये जो गेज है इतना उठ गया, इसको ये प्रेस नहीं होगा, अब इतना हार्ड हो गया तो गेज है पूरा उठ गया। और अब ये पूरा ग्रीसिंग होने के बाद ये साइड दो होल है यहाँ पर वो निकलना स्टार्ट कर देगा, तो अभी निकल नहीं रहा, तो दो होल है तो दो होल से निकलना स्टार्ट कर देगा, तो हम ये होज खोल देंगे।
तो अभी तो निकल नहीं रहा, गेज उठ रहा अभी। तो अब देख सकते हैं गेज कितना हार्ड हो गया है। ये 7 लीटर इसका कैपेसिटी है गैरेज का। गाड़ी के हिसाब से छोटा लगवाया है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे 20 kg 25 kg का भी आता है तो प्राइस जो है भाग जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से निकल रहा। तो हमने कहा कि कंप्रेसर बंद कर दिए और चाबी लगा दी। चाबी लगाने से जो भी स्लाइडिंग पॉइंट है वो ग्रीस अपने आप चला गया, तो इसलिए निकलना रुक गया। ये जो होज है इसको खोल के निकाल देंगे, 22 नंबर का डी लगता। तो फ्रेंड ये जो ग्रीस है निकल रहा है यहाँ से अभी, 22 नंबर डी से इसको खोल देंगे। और ये खुल गया, एडाप्टर से होज खुल गया, इसको लपेट के रख देंगे। फ्रेंड ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।